बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने झांसी एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद और गुलाब को मार गिराया। ढेर हो चुके हैं, मिट्टी में मिलाया गया अतीक के बेटे असद और गुलाम को। ये दोनों ही शूटर दिखाई देते हैं उमेश पाल हत्याकांड में, और इसमें गोलीबारी करते जो दो लोग थे उनको ढेर किया जा चुका है। अतीक का बेटा असद और गुलाम जिसने गोलियां बरसाई थी, शूटर ढेर हो चुका है झांसी में। विवेक का रुख करते हैं। जी विवेक जी, देखिए पुलिस तलाश कर रही थी, एसटीएफ भी तलाश कर रही थी, अलग अलग टीमें लगाई गई थी और 20 से ज्यादा टीमें लगातार, यानी उमेश पाल की हत्या हुई थी पहले दिन से 20 से ज्यादा टीमें लगी हुई थी। और आज झांसी में एसटीएफ की टीम को कुछ लीड मिली थी कि झांसी में शूटर मौजूद है, अतीक का बेटा असद मौजूद है, वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया है, पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी में दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। ये बताया जा रहा है कि पुलिस के कुछ लोग भी घायल हुए हैं इसमें, हालांकि अभी तक बहुत, चूंकि अभी इनकाउंटर अभी अभी हुआ है, कुछ मिनट बीते हैं तो अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। असद और गुलाम दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। जो स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार है उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है, प्रशांत कुमार ने जानकारी दे दी है कि दोनों अपराधी जो जिनकी तलाश काफी लंबे समय से चल रही थी, दोनों से मुठभेड़ हुई है, इनकाउंटर हुई है, डे लाइट इनकाउंटर हुआ है, यानी भरी दोपहरी मुठभेड़ हुई है। अक्सर देखते हैं कि जो मुठभेड़ होती है वो रात में होती है या तड़के सुबह होती है, लेकिन जब एसटीएफ को लीड मिली है, एसटीएफ की टीम दोनों डिप्टी एसपी के नेतृत्व में और प्रयागराज में तैनात है, एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट ने इनकाउंटर किया है, दोनों डिप्टी एसपी काफी समय से तलाश कर रहे थे, सर्विलांस के जरिए तलाश की जा रही थी, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज ऐसे थे जो जमीनी स्तर पर मुखबिरी तंत्र होता है उसके जरिए सूचना मिली थी, क्योंकि असद और गुलाम गुट्टू मुस्लिम जितने भी शूटर हैं उन्होंने किसी भी तरह से अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था, लगातार या तो नए मोबाइल फोन लगातार ले रहे थे, नए सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे जिससे एसटीएफ उनको ट्रैक नहीं कर पा रही थी, और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जिससे किसी भी तरह से कोई सूचना उनके बारे में नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज ये जमीनी स्तर पर जो मुखबिरी तंत्र होता है उससे पता चला कुछ ऐसे लोग जो असद और गुड्डू मुस्लिम के साथ देखे गए थे, उनके साथ में रहे हैं या उन्होंने जो मददगार है उनको देखा है, उससे संपर्क किया है, ऐसे लोगों ने जब सूचना दी उसके बाद एसटीएफ की एक तरफ एनकाउंटर तो वही बेटे के मौत की खबर, तो दूसरे बाप और चाचा की पेशी अगर कहा जाए वो प्रयागराज में इस वक्त हो रही है और उस पर फैसला आना वाना रिमांड को लेकर। विवेक जरा मोहम्मद मोइन का रुख कर लेते हैं, प्रयागराज में जानकारी लेते हैं कि हलचल तो बड़ी तेज है, छावनी में तब्दील सीजेएम कोर्ट है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर भी आ गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।